Hello everyone, welcome to our online class. Myself Sujyoganti Mahapatra, English teacher of class 1. Today we are going to discuss grammar chapter 2, common noun and proper noun. Common noun मतलब जातिवाचक शब्द, proper noun मतलब व्यक्तिवाचक शब्द. बच्चों पहले से हम इस चैप्टर का आधा रिवीजन कर चुके हैं, तो अभी हम नंबर आई करेंगे. Underline the nouns in the following sentence. Write C if it is a common noun and P if it is a proper noun. There may be more than one noun in each sentence. One has been done for you. ये सेंटेंस में जो नाउन दिया गया है उसे अंडरलाइन करेंगे. यहाँ अगर कॉमन नाउन होगा तो C लिखेंगे और प्रॉपर नाउन होगा तो P लिखेंगे. नंबर वन, नीतू सिंग्स वेरी वेल. नीतू पर अंडरलाइन करो बच्चों, और ये प्रॉपर नाउन है तो हम यहाँ पी लिखेंगे. नंबर टू, द बॉयज आर प्लेइंग. यहाँ बॉय नाउन है तो उसे अंडरलाइन करो, और कॉमन नाउन है हम यहाँ सी लिखेंगे. नंबर थ्री, आई लाइक टू हैव ब्रेड. यहाँ ब्रेड नाउन है तो उसे अंडरलाइन करो बच्चों, और ये कॉमन नाउन है यहाँ सी लिखो. नंबर फोर, दिस जाम इज वेरी टेस्टी. देखो बच्चों यहाँ जाम नाउन है, इसे अंडरलाइन करो, और ये कॉमन नाउन है इसे सी लिखो. नंबर फाइव, आई विल गो टू कोलकाता टुमोरो. यहाँ कोलकाता नाउन है उसे अंडरलाइन करो बच्चों, और ये प्रॉपर नाउन है उसे पी लिखो. नंबर सिक्स, प्लीज़ गिव मी सम मनी. यहाँ मनी कॉमन नाउन है तो इसे अंडरलाइन करो और सी लिखो. नंबर सेवन, द नेम ऑफ माय पेट इज फ्लफी. ये देखो बच्चों यहाँ फ्लफी प्रॉपर नाउन है तो इसे अंडरलाइन करो और पी लिखो. नंबर एट, संडे इज ए होलीडे. यहाँ संडे प्रॉपर नाउन है, होलीडे कॉमन नाउन है तो यहाँ पी और सी दोनों लिखो. नंबर नाइन, रोहित डज नॉट नीड हेल्प. यहाँ रोहित प्रॉपर नाउन है तो इसे अंडरलाइन करो और यहाँ पी लिखो. नंबर टेन, रुचि पेंटेड द पिक्चर ऑफ ए क्लाउन. यहाँ रुचि प्रॉपर नाउन है, पिक्चर और क्लाउन कॉमन नाउन है, यहाँ पी सी सी लिखो. बच्चों हमारा ये चैप्टर का रिवीजन ख़त्म हो गया. थैंक यू.